एक तरफ जहां बिहार सरकार सुशासन की बात करती है, वहीं दूसरी ओर पूरे बिहार में अपराध चरम सीमा पर है। ताजा मामला भागलपुर के डीआईजी कार्यालय के समीप का है, जहां एक महिला अपने बच्चों के साथ अपने घर जा रही थी। इसी दौरान दो मोटरसाइकिल झपटमारों ने उसके गले से चेन छीन लिया और वह फरार हो गया। वहीं यह पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया है। पुलिस तहकीकात में जुट गई है। वहीं पीड़ित महिला मिक्की कुमारी ने बताया कि मैं अपने घर से निकलकर 0 माइल जा रही थी, इसी क्रम में यह घटना घटित हुई है। पीड़ित महिला पुलिस से किसी तरह चैन वापस हो जाए इसके गुहार लगा रही थी। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या पुलिस इस झपटमारों पर लगाम लगा सकती है या फिर इसी तरह और लोग इसके शिकार होते रहेंगे। गंगा दर्शन अपार्टमेंट मेरा फ्लैट है, अपना खुद का फ्लैट है। अब बच्चे का छुट्टी हो गया तो बच्चा बोला कि हम दादा घर जाएंगे। हम ले चलो यहाँ नौलखा के पास ऑटो से उतर के हम यहाँ ससुराल ही जा रहे थे। तो हम यहाँ से इधर से जा ही रहे थे तो उधर से वो बाइक वाला सामने से आया और चैन लेकर के चला गया। हम वो DIG कोठी वहाँ पे भी हम गए, वहाँ पे भी बोले कि मेरा हेल्प कीजिए। वो लोग भी बोला कि यहाँ से निकलो, यहाँ कोई हेल्प नहीं होता है, यहाँ पे कोई मदद नहीं मिलेगा। ये 41,765 का है, 41,635 का है। कितने लोग थे? 735 का। हाँ, दो। हाँ, 7304 है। आपका क्या नाम है? मिकी। कहाँ रहते हैं? यहाँ मेरा यहाँ ससुराल बड़ी खंजरपुर में है और गंगा 0 माइल में मेरा फ्लैट। जनता दल यूनाइटेड के विवादित बयान देने वाले बड़बोले नेता नौगछिया गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल ने आज फिर से एक विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने लालू यादव को साफ तौर पर कहा कि उनका दिमाग सठिया गया है, वह किसी काम के लायक अब नहीं रहे। जब से उनकी किडनी बदली गई है तब से वह दिमागी रूप से पूर्ण रूपेण सठिया गए हैं, उनका दिमाग अब काम नहीं करता। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की बात भी कही और राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर वह काफी गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। मुंबई में हुई बैठक के दौरान लालू यादव ने राहुल गांधी को बिहार स्टाइल का मटन बनाने के टिप्स दिए। यह सब लालू यादव का नाटकीय रूप है, वह मजाकिया किस्म के व्यक्ति हैं। जब से उनकी किडनी बदली गई है तब से वह पूर्ण रूपेण सठिया गए हैं। पूरे हिंदुस्तान को के लोग को नीतीश कुमार ने संगठित किया, उन्होंने मेहनत किए, देश भर के जितने भी क्षेत्रीय पार्टी थे सबको बुलाए कि भाई भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, मोदी के विरोध में हमको काम करना है। किसी के कहने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाएगा। चुप रहो, किसी के कहने से कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा? हम तो एक ही बात कहेंगे, लालू जी बेकवड़ों के मसीहा है, हम लोग कोई पुराने लीडर रह चुके हैं, हंसाने का काम करते हैं, बुलाने का काम करते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये राहुल जी को प्रोजेक्ट, आप लोग कहते हैं राहुल जी को, तो ये नहीं कहते राहुल जी उस योग्य नहीं है, उनके कुल खानदान प्रधानमंत्री बनते आए हैं। सही बात है, लेकिन सिर्फ हमारे लालू जी के कहने से नहीं हो जाएगा। उनका किडनी प्लांट हुआ है, ये हुआ है, थोड़ा उनका दिमाग सठिया गया है। कहाँ तो पटना में बैठक हुआ था, उसमें उन्होंने बोल दिया, राहुल जी आपकी मम्मी हम लोगों को कहते हैं कि हमारा बात नहीं रखता, आप कहिए तो नहीं शादी ब्याह करनी, अब शादी ब्याह कर लीजिए, हम लोग बराती जाएंगे। तो आप लोग मीडिया के जितने लोग थे, हो गया, ऐसा करने से कहीं होता है? ये नहीं होता है। अभी बहुत चुनाव में टाइम है, क्या होगा नहीं होगा। मान लिए नीतीश कुमार को केजरीवाल, मान लिए सबको, मतलब कई स्टेट के लोगों ने मान लिया, जो योग्य रहेंगे। उम्र का भी अंतराल है ना, कोई धड़फड़ी है कि राहुल जी को मानेगा देश ने तब ना? वो सब बात कही नहीं है। ये राहुल जी ने तो मान लिया है कि हम तो एक ही बात बोले ना, थोड़ा उम्र आ गया, उम्र आने से बोलने का, आप दिखे थे ना अटल जी को, उनको गुम कर दिया गया। उम्र होने के बाद दिमाग लचर पचर हो जाता है। लालू जी तो राहुल गांधी को बिहारी मटन भी सिखा रहे बनाने के। भाई बिहारी मटन क्या सिखाएंगे, मटन कौन है ये तो क्या कहा जाए, नहीं बोलेंगे वैसे आदमी को तो वो मटन बनाने के लिए क्या सिखाएंगे बिहारी में। लोग ने राजस्थानी मटन बनाने के लिए सीख लिया,
तो बिहारी मिट गया, वो सब कहीं कहानी नहीं है। अभी लंबा समय है, चुनाव का टाइम है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा वो तय करेगा देश का जनता। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है पूरे बिहार का सबसे बड़ा और प्रीमियम सलून लुक सलून। लुक सलून में आपको लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए सर्विसेज उपलब्ध है। लेडीज के लिए हेयर स्टाइलिंग, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, फेशियल एंड रिचुअल्स, हैंड्स एंड फीट, नेल केयर जैसी सुविधाएं। तो जेंट्स के लिए हेयर कट एंड फिनिश, हेयर कलर, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन केयर, बियर्ड ग्रूमिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। लुक सलून अपनी सभी प्रकार की सर्विसेज पर 20% की भारी छूट दे रही है। तो अगर आप भी लुक सलून के बेहतरीन प्रीमियम सर्विसेज की चाहत रखते हैं तो अभी बुकिंग कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आप मोबाइल नंबर 9199062666 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर www.looksalon.in पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र की जनता चोर के तांडव से परेशान है। पिछले 2 महीने के अंदर करीब आधा दर्जन बाइक की चोरी हो चुकी है, परंतु लोदीपुर पुलिस एक भी चोर को पकड़ने में अब तक कामयाब नहीं हो सकी है। वहीं 2 दिनों से बाइक चोर का मनोबल इतना बढ़ गया है कि नवीन कुमार भारती लोदीपुर वासी के घर से चोरों ने एक मोटरसाइकिल की चोरी कर ली, जिसका उनके घर के CCTV फुटेज में स्पष्ट रूप से घटना की वारदात को अंजाम देने वाले चोर को भी देखा जा सकता है। पीड़ित नवीन कुमार भारती कहते हैं कि आवेदन देने के बावजूद अभी तक पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तक नहीं है। वहीं लालूचकवासी चंदन मिश्रा कहते हैं कि मेरा बुलेट 2 महीने पहले मेरे घर से चोरी हुई थी और लोदीपुर पुलिस आवेदन प्राप्त होने के 1 महीने बाद निरीक्षण करने आई थी। अभी तक चोर को पकड़ने में पुलिस पूरी तरह से असक्षम दिख रही है। चार गाड़ी यहाँ पर चोरी हुआ है आसपास में 1 किलोमीटर के रेंज में, और एक भी किसी का भी पुलिस कुछ नहीं कर पाई है, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि ये जो रात में चोरी हुआ है वो तो आई भी नहीं पुलिस, सिर्फ पेट्रोलिंग करती है रोड पे बस गई। कौन सा थाना क्षेत्र पड़ता है आपका? ये लोदीपुर थाना क्षेत्र पड़ता है। आपने सूचना दिया? सूचना के आवेदन भी देकर आए हैं। क्या अब तक कार्रवाई हुई? कुछ भी आया भी नहीं है, और हम लोग टोकते बजाते भी हैं पुलिस को पेट्रोलिंग, लेकिन उस समय पुलिस कुछ अच्छा ठीक है आ रहा है मैं आ रहा हूँ ये करके। लगातार क्या लगता है लगातार कितनी चोरी हुआ होगी? हम लोगों के यहाँ परसों हुआ और रात में भी हुआ बगीचा में, लगातार चोरी हो रहा है। संबलपुर में हो गया तो चोर सिर्फ मोटरसाइकिल ले जाता है कि और कुछ? अभी तक यहाँ पर जितना है सिर्फ बाइक का मामला है, और 4-व्हीलर में खासकर बुलेट पर ध्यान रखा है उन्होंने ज़्यादा। चांदे कोड़ा में वही हुआ, बुलेट गया संबलपुर में, बुलेट गया तो बगीचा के पास भी बुलेट गया, और अब ये भाई साहब आए हुए हैं इनका लालूचक में एक बना बने बुलेट गया। इसके साथ क्या घटना घटी? मेरे साथ ये 3 तारीख को देखा जाए तो 3 तारीख को 2 महीना लग जाएगा, और हमारा भी एक बुलेट था जिसका गाड़ी नंबर BR10-2288 था नंबर, और गन मेटल ग्रे कलर का था। हमने थाना में भी अप्लीकेशन दिया था लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक कहीं कुछ नहीं। 2 महीना और 2 महीना हो गया है। एक बार सर आए भी लेकिन कहे कि अब कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद कुछ नहीं। और सर आए भी मेरे एप्लीकेशन देने के 1 महीने के बाद सर आए थे इंस्पेक्शन करने के लिए कि क्या कैसे क्या हुआ था। 1 महीने के बाद सर आए, उसके बाद कहे कि हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक कहीं कोई कार्रवाई नहीं है।
मेरा नाम चंदन मिश्रा होगा, मेरा लालू चा कुछ का घर होगा, दो महीने पहले की। भागलपुर के 107 शिक्षक व शिक्षिकाओं के द्वारा निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी भागलपुर को बीएलओ का कार्य नहीं करने को लेकर सबने एकमत होकर अपना इस्तीफा अनुमंडल पदाधिकारी को मेल पर भेज दिया है। इन लोगों का कहना है कि शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के पाठक के द्वारा लगातार कहा गया है कि शिक्षकों से पढ़ाई लिखाई के अलावा कोई दूसरा काम नहीं लिया जाएगा, उसके बावजूद भी लगातार बीएलओ पद पर यहां शिक्षकों की तैनाती कर दी गई थी और शाम में 4 बजे के बाद इन लोगों को बीएलओ के काम में लगा दिया जाता था। इन लोगों का कहना है कि लगातार आंदोलन के बावजूद भी जिला प्रशासन के द्वारा जब कोई कार्रवाई नहीं की गई तो आज सबने एकमत होकर अपना इस्तीफा बीएलओ के पद से दे दिया है। वहीं आज रविवार होने के कारण कार्यालय में कोई कर्मी नहीं थे, इसलिए इस्तीफा मेल पर भेजा गया है। जी मैं इस्तीफा देने के लिए आई हूँ बीएलओ के काम से, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई जब से बीएलओ में नाम आया, हमेशा बिना मतलब के छुट्टी के दिन में बेवजह बुला दिया जाता है, जिसके लिए मेरे घर में बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट हो रहा है। घर में भी छोटा बच्चा रहता है, उसको हम टाइम नहीं दे पाते हैं, वो एकदम सोचते रहता है कि मम्मी कब आए स्कूल से, और ये बीएलओ का काम से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। सभी शिक्षक जो हैं SDO ऑफिस में इस्तीफा देने के लिए आए हैं, क्योंकि हम लोग BLO पद से इस्तीफा देने आए हैं और BLO के कार्य से हम लोग तंग आ चुके हैं। इनका छुट्टी के दिन ही इनका कोई मीटिंग होता है, कोई सीटिंग होता है। जब अपर मुख्य सचिव के पाठक साहब का ये आदेश है कि शिक्षक कोई भी गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे, तो फिर हम लोगों से BLO का काम, जनगणना का काम क्यों करवाया जाता है? ऊपर से इनका कहना है कि 4 बजे के बाद आप काम कीजिए। क्यों, हम लोगों को परिवार नहीं है या हम लोग इंसान नहीं हैं? हम लोग सुबह 2 रोटी खा के निकलते हैं घर से, दिन में लंच करते हैं 3 रोटी, उसके बाद क्या भूख नहीं लगती हम लोगों को? लेकिन नहीं, अगर जहां हम लोग मना करते हैं या नाका नुकर करते हैं, बस उस पर तुरंत एक स्पष्टीकरण पूछ लिया जाता है और यह आरोप लगाया जाता है कि आप लोग जो है इतने चुनाव के निर्वाचन का इतना अहम कार्य है और उसमें जो है आपने स्वेच्छाचारिता का जो है आरोप लगाकर हम लोगों को ये लोग जो है वेतन बंद कर देते हैं। भागलपुर में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हर रोज दर्जनों डेंगू के मरीज अस्पताल में इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। एक तरफ जहां जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज में कई बेड डेंगू से बचाव के लिए बनाए गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर सदर अस्पताल में भी इसकी मुकम्मल व्यवस्था की गई है। डेंगू से बचाव के लिए शिशु रोग विशेषज्ञ अजय कुमार सिंह ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि अपने आसपास कोई भी गंदा पानी इकट्ठा न होने दें और न ही गंदगी बनाए रखें। अगर आपको उल्टी या सर में दर्द हो, शरीर में दर्द हो, तो तुरंत चिकित्सक से मिलें और उचित इलाज कराएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ एवं अध्यक्ष जीवन जागृति सोसाइटी। चाइल्ड स्पेशलिस्ट के साथ साथ सोसाइटी हम लोग एक रन कर रहे हैं और इसका मुख्य उद्देश्य है आपको दोनों बताना, जागरूकता और दवाई। जैसा कि जानते होंगे आप लोग शायद, यह एक वायरल बीमारी है। वायरल बीमारी में अमूमन ज़्यादा दवा नहीं होता है, लगभग नहीं के बराबर होता है। डेंगू मच्छर है और वो मच्छर के काटने से डेंगू होता है। डेंगू का मच्छर मलेरिया के मच्छर से थोड़ा भिन्न है कि यह दिन में काटता है। मलेरिया का मच्छर गंदे पानी में पनपता है और डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है। तो दो तरह से आप बच सकते हैं, एक कि डेंगू का काटे नहीं और डेंगू का मच्छर पनपे नहीं। तो डेंगू का मच्छर नहीं पनपे, इसके लिए जहां भी आसपास में पानी इकट्ठा हो उसको आप हटाते रहें, खास करके जैसे छत पर, आंगन में, कुड़िया में, टीन के डब्बे में, उस तरह से हटाते रहें जिससे लार्वा नहीं पनपे। दूसरा कि वो काटे नहीं, काटे नहीं, इसके लिए आप फुल कमीज का बाँह का पहने और बच्चे को भी अपने भी पूरा पैंट शर्ट जो भी पहना है फुल पहनिए। और जो ऑफिस में बैठ रहे हैं उनसे निवेदन है कि पैर में काटता है तो पैर में मोजे पहने या फिर ओडोमॉस लगाएं, जहाँ जहाँ भी कान के पीछे का जो जगह है यहाँ बहुत काटता है चूँकि पीछे रहता है, इस सब में भी ओडोमॉस लगाएं। और बहुत ज़ोर से महामारी जैसा फैला हुआ है डेंगू और हर मोहल्ले में कई केसेस हैं,
इसके पहले कि आपके घर पर दस्तक दे, आप इसको रोकिए। और रोकने का एकमात्र उपाय है कि आप इसको जो दोनों तरीका बताए उसको अपनाइए। एक बार डेंगू हो जाएगा तो फिर आप प्लेटलेट लोगों से मांगते रहिएगा कौन प्लेटलेट देगा, और तब भी खतरनाक है और कई जानें जा चुकी हैं। इसीलिए नम्र निवेदन है कि सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं रहिए, सरकार भी अपना काम करे, लेकिन आप अपना खुद काम करिए, बचाव करिए और आप बचिए। दूसरी बात, इसका जो लक्षण है तेज़ बुखार होना, दर्द होना, चकत्ता होना और बेचैनी होना, भूख कम लगना, तो आप डॉक्टर से संपर्क करिए, डेंगू का टेस्ट कराइए और उचित रूप से इलाज करिए। यही है। और बच्चे में भी बहुत तेज़ी से हो रहा है, बच्चे भी त्राहिमाम हैं, आप बचेंगे तभी बच्चा बचेगा। इसीलिए बचना ही एकमात्र उपाय है। धन्यवाद। भागलपुर में जदयू द्वारा आयोजित राज्यव्यापी अभियान ग्राम संसद सद्भाव की बात कार्यक्रम में भागलपुर जिले में समापन के उपरांत पार्टी के अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच समीक्षात्मक बैठक की गई। साथ ही प्रदेश कार्यालय के द्वारा निर्देशित आगामी कार्यक्रम जाति आधारित गणना को लेकर भाजपा के द्वारा किए जा रहे षड्यंत्र का पोल खोल और कर पूरी चर्चा की भी तैयारी को लेकर कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। यह बैठक प्रमंडलीय कार्यक्रम प्रभारी प्रहलाद सरकार के निर्देशानुसार जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह और महानगर जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजदीप राजा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई। इस बैठक में तमाम राष्ट्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारियों, वर्तमान एवं पूर्व सांसद, विधायक व विधान पार्षद, विभिन्न प्रकोष्ठों के जिला अध्यक्ष एवं महानगर अध्यक्ष समेत सभी 9 प्रखंडों के प्रखंड अध्यक्ष व महानगर के सेक्टर अध्यक्ष मौजूद थे। यह जानकारी जिला जनता दल यूनाइटेड भागलपुर शाखा के प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी शिशुपाल भारती ने दी। का मुख्य उद्देश्य हमारा जो ग्राम संसद सद्भाव की बात कार्यक्रम जो चल रहा था लगातार 15 अगस्त से 21 अगस्त तक, उसी के समापन पे आज समीक्षा बैठक है। साथ ही साथ आगामी जो हमारा कार्यक्रम है भाजपा का पोल खोल सह कर्पूरी चर्चा को लेकर के तैयारी का है, जिला कार्यकारिणी की बैठक है जिसमें सम्मानित जिला अध्यक्ष माननीय पूर्व विधायक लक्ष्मी बाबू, माननीय विधायक ललित बाबू, माननीय प्रमंडल प्रभारी हमारे प्रहलाद सरकार जी और सभी विधानसभा के प्रभारी, महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, हमारे साथ युवा जनता दल यू के महानगर अध्यक्ष सोमू राज जी हैं, सभी लोग आज इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। मुख्य उद्देश्य बैठक का यही है। मैं शिशुपाल भारती, प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी जिला जनता। हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को जो पार्टी द्वारा कार्यक्रम था 21 तारीख तक हमारे सभी प्रखंड अध्यक्ष और सभी प्रभारी उसको पूरा किए, आज उसी को धन्यवाद देने के लिए और 5 तारीख की तैयारी के लिए और 9 तारीख और कालगांव का डेट है उसमें तैयारी के लिए यहाँ पर जिलाध्यक्ष ने बुलाया है, तो उसी संदर्भ में हम लोग यहाँ पर आए हैं और हम अपने कार्यकर्ताओं को ऊर्जावान करना चाहते हैं कि प्रदेश में देश में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, राजनीतिक परिवर्तन होने वाला है, ये लोग जितना भी कार्यकर्ता कोशिश करेगा उतना मजबूती से। जिला कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, बैठक का मुख्य विषय मेरा पार्टी का प्रदेश के निर्धारित कार्यक्रम था 15 अगस्त से 31 अगस्त तक ग्राम संवाद सद्भाव की बात, उसे सफलतापूर्वक हमारे प्रखंड अध्यक्ष पंचायत अध्यक्ष ने किया है, उनको मैं आज अपने जिला की ओर से उन्हें धन्यवाद देता हूं। आपने जो कार्यक्रम सभी पंचायत में लगभग 100% कार्यक्रम को सफल बनाया। दूसरा, आप जानते हैं कि प्रदेश से निर्धारित है 5 सितंबर को 6 बजे हम निर्धारित किए हैं, भाजपा का जनगणना का जो विरोध कर रहे हैं वो पहले तो अप्रत्यक्ष रूप से था, कोर्ट जाने का काम किया था, लेकिन साबित हो गया सुप्रीम कोर्ट जो उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, अपने सक्षम पदाधिकारी को द्वारा हलफनामा दायर करवाया और रोकने का प्रयास किया, उसी का पोल खोल अभियान प्रदेश से निर्धारित है, वह हम लोग 5 तारीख को कार्यक्रम करेंगे, उसी की तैयारी के लिए भी बैठक बुलाए हैं। फिर 9 तारीख एवं 30 सितंबर को प्रदेश का कार्यक्रम निर्धारित है, वह कर पूरी चर्चा
9 तारीख को सुल्तानगंज विधानसभा में है और 30 तारीख को कहलगांव विधानसभा में। भागलपुर में युवा कांग्रेस भागलपुर की ओर से बढ़ती महंगाई को लेकर जिला कांग्रेस कार्यालय भागलपुर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विशाल कुमार ने कहा कि भाजपा 2019 में जब चुनाव जीत कर आई तो उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन मोदी सरकार की गलत नीति, नीयत व रूढ़िवादी विचार के कारण देश में एक बड़ी महंगाई जैसी सुनामी आई और सरकार अपने गलत नीति में मगन रही। लेकिन आज जब कई राज्य में चुनाव में असफलता का सामना करना पड़ा व आगामी चुनाव को देखते हुए और राहुल गांधी के दबाव की वजह से सिलेंडर के दामों में कमी की गई है, मोदी सरकार का असली चेहरा आम जनता के सामने आ गया है और जनता इनको पहचान गई है। इस मौके पर उपस्थित बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य अभिषेक चौबे, रवि कुमार, युवा कांग्रेस के जिला संयोजक विकास कुमार सिंह, कहलगांव कांग्रेस के उपाध्यक्ष नीरज कुमार, पिंटू कुमार, अभिजीत कुमार समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है? आज हम लोग बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसका उद्देश्य ये है कि केंद्र में जो मोदी की सरकार पिछले 9.5 साल से झूठ का पुलंदा बांधे हुए है। जब सत्ता में आ रही थी उस समय बोला गया था काला धन वापस लाएंगे, कांग्रेस का काला धन सब स्विस बैंक में पड़ा हुआ है। अभी आप सत्ता में आए हुए इतने साल हो गया, एक भी काला धन भारत नहीं आया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, लूट और भ्रष्टाचार, महंगाई भाजपा के DNA में, उनका रिवर्स रॉबिनहुड हरकतें गरीबों को और गरीब, अमीरों का और अमीर बनाता जा रहा है। वो पिछले विधानसभा चुनाव में 2-3 राज्यों में हारने के बाद उनकी अब महंगाई पर आग खुली है और आगे 5 राज्यों में जो चुनाव है उसको देखते हुए उन्होंने LPG पे 200 रुपया जो सस्ता किया है वो गरीबों और जनता को गुड़बक बनाने का काम कर रहा है। वो 5 राज्यों को चुनाव को राज्यों के जनता को लुभाने के लिए 200 रुपया कम किया है और जैसे ही 2024 का चुनाव